पलासिया थाना क्षेत्र स्थित मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पलासिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए 9 मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपियों का रिमांड पुलिस ने लिया है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। दरअसल फरियादी अभिषेक कुमार ने पलासिया थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी मोबाइल की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 4 आरोपी आकाश सोलंकी, शत्रु, रोहित और रानू उर्फ राणा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से आरोपी आकाश व शत्रु को जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी रोहित और रानू को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पुलिस और भी अन्य वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद लगा रही है। इस पूरे प्रकरण में क्या है कि एक फरियादी थे अभिषेक कुमार जी, इनकी शिकायत पर से हमने एक अपराध कायम किया था 456/20। इनकी दुकान से कुछ मोबाइल चोरी हो गए थे 2, तो उस पर से लगातार ही प्रयास कर रहे थे। टीम बना के धरपकड़ भी की जा रही थी, जिसमें मजबूर सूचना के आधार पर हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिससे कुल 9 मोबाइल बरामद हुई, जिनकी कीमत 1,42,000 के लगभग है। इसमें से 2 मुख्य आरोपियों को हमने PR पर लिया है। 2 दिवस में और भी प्रयास कर रहे हैं कि और मोबाइल रिकवर होने की संभावना है, लगातार उसमें विवेचना कर रहे हैं। सर, कहाँ कहाँ इन्होंने वारदात बताया सर, जो मोबाइल दुकानों के अलावा भी कहीं वारदातें सामने की और मोबाइल दुकानों के वो जो रिकवर हुए दुकानों संबंध तो हैं ही, और उसे उस संबंध में और पूछताछ की जा रही है, इसीलिए PR पे आप किया गया है। 2 दिन में और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अपराधी रिपोर्ट इनसे पूछताछ के संबंध कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, शायद संभवतः आज प्राप्त हो जाएंगे।